अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन फ्रॉम सियालकोट। मैं अभी सियालकोट में ही था तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर और कुछ जगहों को एक्सप्लोर किया जाए, दो तीन ब्लॉग्स यहाँ से और बनाए जाएँ, उसके बाद हम यहाँ से मूव करें। तो यहाँ पर एक हिंदू टेम्पल है जो कि 1000 साल पुराना है और पार्टीशन के फौरन बाद से उसको बंद कर दिया गया था और 72 साल के बाद अभी रिसेंटली उसको दोबारा ओपन किया गया है विजिटर्स के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ का विज़िट करवाएं और वहाँ से आपको दिखाते हैं। काफ़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इस मंदिर की और उसकी क्या स्टोरी है वो मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा बताऊँगा। तो अभी चलते हैं यहाँ से। कैंट से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का फासला है और लेकिन ये 5 से 6 किलोमीटर कोई ऐसे आसानी वाले 5 से 6 किलोमीटर नहीं है। ये यहाँ पे एक बहुत ही मुश्किल काम है ये 5-6 किलोमीटर करना, क्योंकि हमें शहर के अंदर से जाना होगा और रंगपुरा चौक, ख़ासतौर पर रंगपुरा चौक से और मेन बाज़ार से हमें गुजरना होगा। तो जो लोग तो सियालकोट रहते हैं उनको पता है कि रंगपुरा चौक से इस वक्त गुजरना तकरीबन 3 बजे का टाइम है, तो इस वक्त वहाँ से गुजरना एक कितना मुश्किल काम है। ऊपर से दूसरा हमने मेन बाज़ार से होते होते कश्मीरी महल्ला, इस्लामाबाद महल्ला भी उसको कहते हैं, वहाँ पर एंटर होंगे और वहाँ पर वो मंदिर है। तो चलते हैं, अभी निकलते हैं कैंट से बग़ैर टाइम वेस्ट किए और आपको दिखाते हैं वो मंदिर। तीन तीन ट्रैफिक वार्डन्स होने के बावजूद इस चौक पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना एक इंतहाई मुश्किल काम है। इसकी एक वजह तो शहर की बढ़ती हुई आबादी है, जबकि दूसरी वजह सड़कों से ज़्यादा बढ़ती हुई गाड़ियों की तादाद। ये तो बड़ी अच्छी बात है, जुम्मे को मेरे ख्याल से आधा बाजार बंद है, जबरदस्त होते हैं। अब जिस इलाके में हम दाखिल हो रहे हैं इसे मोहल्ला धारोवाल कहा जाता है और सियालकोट के कदीम तरीन इलाकों में इसका शुमार होता है। इसकी मगरबी जानब कश्मीरी मोहल्ला है जहां पर डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल की जाय पैदाइश भी है। ये पता नहीं क्या चीज़ यहाँ पे आ गई है। ये जी अंदर एक गार्डन है और उसके अंदर से इसकी मज़ीद एक एंट्रेंस डोर है। सियालकोट में दो इमारतें ऐसी हैं जिनको गौर से आप देखें तो उनकी तारीखी अहमियत का अंदाज़ा आपको खुद ब खुद लग जाता है। पहली सियालकोट का किला
जो माना जाता है कि तकरीबन 5000 साल पुराना था और राजा सल ने उसकी तामीर करवाई थी, और उसके बारे में कुछ स्टोरीज भी हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ कुछ उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शेयर भी किया था। कदीम ज़माने में वो जो किला है वो हुक्मरानी का मरकज़ रहा है। जो भी सियालकोट पर कब्ज़ा करता वो सबसे पहले किले पर कब्ज़ा करता और इस बात को यकीनी बनाता कि सियालकोट उसके काबू में। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो ये मंदिर शिवाला तेजा सिंह, जिसको कहते हैं कि 1000 साल पहले सरदार तेजा सिंह ने तामीर करवाया था, और कि ये तो मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि ये जो इमारत आप देख रहे हैं यही वो इमारत है जो 1000 साल पुराने पहले बनाई गई थी, या ये किसी और मंदिर की जगह इस इमारत को तामीर किया गया था। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको जो है नेट पर भी अवेलेबल नहीं है, और हाल यहाँ तक कि सरदार तेजा सिंह कौन था, उसका इस सब में क्या किरदार था, इसके बारे में भी कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो जो यही चंद चीज़ें हैं जो कि इस्टेब्लिश्ड हैं और कहीं सुनी जाती हैं और कहीं बड़ी जगहों पर लिखी भी हैं, तारीख़ सियालकोट में भी इसी तरह की आपको जो है फिगर्स मिलते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस मंदिर के बारे में मैं आपको मज़ीद बताता हूँ साथ साथ। ۔1992 میں جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو اس کے ریئیکشن میں یہاں کے کچھ مسلم انتہا پسند تھے، انہوں نے اس مندر کی عمارت کو کافی نقصان پہنچایا، اس میں کافی توڑ پھوڑ کی۔ تو بعد میں 2019 میں عمران خان کی گورنمنٹ نے سر گنگا رام ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر اس کی جو عمارت ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کروایا اور اس کو واپس اپنی اصل حالت میں لے کے آئے۔1947 میں پارٹیشن کے وقت اس علاقے کی جو کل آبادی تھی اس کا تقریباً 25% حصہ جو ہے وہ ہندو آبادی پر مشتمل تھا، اور پارٹیشن کے فوراً بعد اس کو بند کر دیا گیا، جبکہ اب 72 سال کے بعد 2019 میں اس کو دوبارہ سے ہندو کمیونٹی کے حوالے کر دیا ہے عبادت کے لیے۔ تو یہاں پر کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ، اس یقین کے ساتھ کہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا ہوگا اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور آپ کی ٹائم لائن پر شو ہوتی رہیں۔ تو ابھی کے لیے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔